पटरियों पर दौड़ा भारतीय रेलवे का महाबली। एक साथ 270 ट्रकों को उठा लेता है ये महाबली। ये महाबली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाला दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है। जी हां, भारतीय रेलवे का महाबली कहे जाने वाला दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन अब रेलवे पटरियों पर दौड़नी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को इसे हरी झंडी दिखाई। 1.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन के वैगन की क्षमता पुरानी मालगाड़ियों से 14% अधिक है। ये ट्रेन अकेले 270 ट्रकों का भार उठाने में सक्षम है। यानी केवल एक ट्रेन सड़कों पर 270 ट्रकों का दबाव कम कर देगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा। इसे DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए RDSO के वैगन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। DFCCIL भारतीय रेलवे की पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा अधिकतम गति के मुकाबले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से मालगाड़ियां चलाएगा। वहीं भारतीय रेलवे की लाइनों पर मालगाड़ियों की 26 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा औसत गति को बढ़ाकर DFC पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जाएगा। रेलवे देश में 2 डेडिकेटेड कॉरिडोर विकसित कर रहा है। इनमें से 1856 किलोमीटर लंबा पूर्वी कॉरिडोर लुधियाना को कोलकाता से जोड़ेगा। इसी तरह दादरी से मुंबई के बीच 1504 किलोमीटर लंबा पश्चिमी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इनकी कुल लागत 81,000 करोड़ रुपए है। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक इससे 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।